सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं माला सिन्हा आवासीय पारा मार्ट मिशन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा नर्सरी का मैं हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले अक्षर ज्ञान होना चाहिए। अक्षर ज्ञान पहले अक्षर का जानकारी ले लेंगे, वर्णों का। आगे है त से तबला, त से तितली, त से तरबूज, थ से थन, थ से थैला, थ से थर्मस, द से दर्जी, द से दवात, द से दवाई, ध से धन, ध से धनुष, ध से धोबी, न से नल, न से नाव, न से नाड़ी, प से पतंग, प से पड़ी, प से पहिया, फ से फूल, फ से फुलझड़ी, फ से फल, ब से बकरी, ब से बस, ब से बतख, भ से भवन, भ से भालू, म से मगरमच्छ, म से माला। म से माला तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। आगे है कुछ वर्कशीट है इससे रिलेटेड। चित्र पहचान कर सही अक्षर में गोला का निशान लगाएं। इसमें चित्र पहचानना है आपको, और इसमें दिया गया है अक्षर वर्ण ख क ग। तो ये किस चीज का चित्र है बच्चों? कबूतर का। तो क क वाले वर्ण में इसे इस तरह से गोला लगाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ देखिए चित्र दिया गया है घड़ी का, तो घ से घड़ी होता है, तो यहाँ दिया गया है घ च झ, इसमें से घ ग में आप गोला लगाएंगे इस तरह से। आगे यहाँ टेबल का चित्र है, पतंग है, तरबूज है, थर्मस है, गमला है, नाव है, इस तरह से चित्र पहचानेंगे। चित्र पहचानेंगे और इसमें गोला लगाएंगे। आगे है खाली जगहों को भरो। खाली जगहों को भरना है इसमें क, और यहाँ खाली जगह दिया गया है, यहाँ अंग है, तो इसमें आप खाली जगह में भरेंगे क, क के बाद ख, ग, घ, अंग, उसके बाद च है, च के बाद खाली जगह है, फिर ज दिया गया है खाली जगह है, तो इसमें आप भरेंगे क, च, यहाँ पे छ, ज, झ, यहाँ इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है अक्षर को अक्षर से मिलान करो। अक्षर को अक्षर से इसे मिलान करना है, तो यहाँ च दिया गया है और इधर ज, ज, प, क, ग, न, ट दिया गया है, तो आप इसमें देखेंगे इधर भी अक्षर दिया गया है, इसी के जैसा इधर भी दिया गया है, आप इसमें से पहचान कर इसको मिलान करेंगे। एक जैसा होना चाहिए, जैसे यहाँ च है तो आप यहाँ ढूंढ कर यहाँ च है, यहाँ इसमें इससे मिलान करेंगे, च से च को मिलान करेंगे, अलग नहीं करेंगे, इस जो वर्ण है उसी से मिलान करना है। ज है, ज से मिलान करें, यहाँ ज है, ज से ज मिलान कर रहे हैं। आगे है दिए गए वर्ण से शब्द देखकर लिखो। दिए गए वर्ण से शब्द देखकर लिखना है आपको। यहाँ अ है, अ से क्या होता है? अनार, तो आप यहाँ देखकर लिखेंगे दो बार अनार, यहाँ भी अनार। आ से आम, 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 दो बार इस तरह से लिखेंगे। छोटी से इम, इमली, बड़ी से ईख, छोटी उसे उल्लू, बड़ी उसे ऊन, इस तरह से दो दो बार आपको देखकर लिखना है कॉपी में। आगे है समान वर्णों पर गोला लगाइए। समान एक जैसा वर्ण होगा उस पर आपको गोला लगाना है। जैसे यहाँ देखिए च, क, म, ट इस तरह से दिया गया है, अलग अलग वर्ण दिया गया है, इसमें से आपको ढूंढना है जो एक जैसा होगा उसी में आपको गोला लगाना है। यहाँ च है, फिर यहाँ देखेंगे च कहीं नहीं दिख रहा है, फिर क है, क भी नहीं है, म, म भी नहीं है, यहाँ ज है, फिर यहाँ देखेंगे ज है, तो एक जैसा वर्ण दिख गया इसमें ज में और इस वाले ज में गोला लगाएंगे।
आगे यहाँ भी है, इसमें भी गोला लगाएंगे ज में, यहाँ भी है ज, एक जैसा वर्ण है ढूंढ कर आपको गोला लगाना है। आगे है, पहली माला में अक्षर क्रम से नहीं लिखे हैं, आप दूसरी वाले दूसरी माला में इन्हें क्रम से लिखिए। तो ये माला दिया गया है और नीचे भी एक माला दिया गया है, ऊपर वाले माला में वर्ण लिखा गया है, वर्ण अलग अलग तरीके अलग अलग लिखा गया है जिसमें आपको क्रम में सजाना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ढ, यहाँ झ, घ, ट, ड, क, इस तरह से दिया गया है, तो आपको इसको सजाना है क्रम में। तो क यहाँ क है तो पहले यहाँ क लिखेंगे, पहले यहाँ क लिखेंगे, क के बाद क्या होता है इसमें से ढूंढ लेंगे ख, फिर यहाँ ख लिखेंगे, ख के बाद क्या होगा इसमें से ढूंढेंगे ग, ग, इस तरह से इसको सुंदर से क्रम में सजाना है, ठीक है। आगे है, पांच रंग का नाम लिखो, इसमें पांच रंग का नाम लिखा हुआ है, आप इसे देखकर वन पेज में लिखेंगे, लाल लाल, पीला पीला, काला काला, हरा हरा, उजला उजला, लाल पीला काला हरा उजला, इस तरह से आप सुंदर से अपने कॉपी में वर्कशीट कंप्लीट करेंगे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट बुक है अक्षर सुलेख। अक्षर सुलेख में पिछले वीडियो में ट तक दे दिए थे, ठ से ठेला, ठ से ठंड, ठ से ठठेरा, ठ से ठप्पा, इस तरह से इसमें डॉट दिया गया है, आपको पेंसिल से इस पर लिखना है, डॉट्स पर पेंसिल चलाना है। इसी तरह खाली जगह भी दिया गया है, इसको कंप्लीट करेंगे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। नेक्स्ट बुक है बाल गीत। बाल गीत में आपको याद करना है, राइम्स बुक है ये, आपको याद करना है, गाकर इसे पढ़ना भी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। फिर से दोबारा रिपीट करेंगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसे तीन चार बार अपने घर पर इसे रिपीट करेंगे, रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे इसे, और वर्क कंप्लीट करेंगे कॉपी का सुंदर हैंडराइटिंग में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलते हैं, धन्यवाद।